कौन कहाँ कैसे चुनाव लड़ेगा, इस पर आप सब लोगों की जिज्ञासा बनी रहती है। हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग इस चुनाव को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए, हर एक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव में जाने का निर्णय लिया है और गठबंधन के साथ। झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दर का इंडिया कुनबा, झामुमो कांग्रेस के 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद भड़का राजद, बोले राजद नेता मनोज झा सारे विकल्प खुले। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों को लेकर उथल पुथल मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में भी खटपट शुरू हो गई है। शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस नेताओं के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। वहीं उन्होंने कहा बाकी 11 सीट सहयोगी दलों को दी जाएगी। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल नाराज हो गया है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब हमारे सभी बड़े नेता रांची में मौजूद है, ऐसे में गठबंधन दल के नेताओं के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना सही नहीं है। उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव के रांची में मौजूद होने के बावजूद उन्हें गठबंधन को लेकर किए जाने वाले ऐलान की सूचना नहीं दी गई। कांग्रेस और जेएमएम ने एक तरफा 70 सीटों पर गठबंधन का ऐलान कर दिया और हमें 5 सीट ही दिए जाने की बातें कही, जबकि 2019 में हमारे उम्मीदवार 5 सीटों पर नंबर 2 पर रहे थे। हम झारखंड में एक दर्जन से ज्यादा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। वहीं श्री झा ने कहा हमारे पास सारे विकल्प खुले हैं। आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर रणभेरी बच चुकी है। 13 नवंबर को पहले चरण के तहत 43 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं 20 नवंबर को 38 सीटों के लिए दूसरे चरण के वोट डाले जाएंगे। मजे की बात यह है कि इंडिया और एनडीए गठबंधन ने अब तक किसी भी सीट से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है। ऐसे में कौन कहां से प्रत्याशी होगा, जनता भी असमंजस में है। जैसे कि आप सबको मालूम है, झारखंड राज्य विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी दल, सभी गठबंधन अपने अपने ताल ठोक रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं चुनावी मैदान में जाने को। लेकिन चुनावी मैदान में जाने से पहले कौन कहां कैसे चुनाव लड़ेगा, इस पर आप सब लोगों की जिज्ञासा बनी रहती है। हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग इस चुनाव को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए, हर एक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव में जाने का निर्णय लिया है और गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में भी जाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। इस संदर्भ में 81 विधानसभा में जो हम लोग इंडिया गठबंधन में हम लोग साथ रहे हैं, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के दलों के साथ इस गठबंधन में एक और सहयोगी गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। लेफ्ट पार्टी की भी इसमें भूमिका होगी और इस चरण में, इस चुनाव में, अभी जो पहले चरण में ये बातें तय हुई है कि राज्य के 70 सीटों पर
इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और जो बचे विधानसभा सीट हैं, जो संख्या है, उस पे हमारे सहयोगियों के साथ जो कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग दूर हैं, कुछ लोग पास हैं, उनके साथ बैठकर बाकी जगहों की भी कौन किस में चुनाव लड़ेगा ये तय कर लिया जाएगा। अभी तक ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। धन्यवाद। देखिए, हमने बताया कि 70 सीटों पर हम लोगों ने पहले सहमति बनाई है और चूंकि ये बातें अभी हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि हमारे घटक दल भी अभी कुछ लोग हैं जिनको अभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। जब वो हमारे साथ होंगे आपको कौन कितने जगहों पर चुनाव लड़ेगा और कहाँ कहाँ चुनाव लड़ेगा ये भी आपको विस्तृत रूप में बताने का हम स्पष्ट रूप से करेंगे। सब लोग वो भी बता देंगे, वो भी बता देंगे। जिज्ञासा नहीं चाहिए आपको, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग थोड़ी देर शांति रखें। हम किसी खास वजह से आपके समक्ष आए हैं। आप देख सकते हैं हमारी पूरी लीडरशिप, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के आग्रह पे हम सब यहाँ हैं। आज सुबह हमारी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये तय पाया गया कि ताकत जो वोट की है, जनाधार की है, वो राजद के पक्ष में। मसलन मैं बताऊं कि पिछली बार 7 सीटों पे हम लड़े, क्योंकि लालू जी का हृदय विशाल था, गोल था कि बीजेपी को हटाओ। आज भी गोल वही है। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे, बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये ना राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, ना समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लीजिए। हमारे प्रभारी यहाँ हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हैं और कल से हमारे नेता प्रतिपक्ष स्वयं तेजस्वी जी यहाँ हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी वो यहाँ हैं। सब लोगों के होने के बावजूद अगर गठबंधन में बुनावट की प्रक्रिया में आपने हमें संलग्न नहीं किया तो इस बात का दुख तो होता है। कोई कंसल्टेशन आपसे नहीं, मैं अपनी बात कह लूं, इस बात का कष्ट होता है और कष्ट इसलिए भी होता है कि हमारी ताकत शायद बहुत ज्यादा है। आज हमने पूरी जो मीटिंग की है उसमें हम लोगों ने 15 से 18 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं अलग अलग जिलों की, जहां हम शायद अकेले भी बीजेपी को परास्त करने में सक्षम है। और ये आप भी जानते हैं जो मीडिया के साथ ही है। और मैं चाहूँगा कि जो हमारी मनोभावना हमारे यहाँ की यूनिट ने, कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष के समक्ष रखा उसके अनुरूप उम्मीद की जानी चाहिए थी कि आप कोई भी चीज़ें प्रक्रियाधीन करने से पूर्व कंसल्टेशन के प्रोसेस को मुकम्मल करते हैं। नहीं सर, ये हाउ मेनी सीट्स फॉर ऑफर, बोले दीजिए सर, हाउ मेनी सीट्स फॉर ऑफर, ये तो आप कवर करके आए हैं। 11 सीट नहीं, आर यू गोइंग अलोन इन दिस? नहीं नहीं नहीं, देखिए सारे फैसले ना मैगी 2 मिनट नूडल्स में नहीं होते हैं, लेकिन तमाम विकल्प खुले हुए हैं सर। लेकिन सर, एक सवाल का जवाब देना।
मेरी बात खत्म होने दीजिए। विकल्प तमाम खुले हुए हैं, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं की मनोभावना को दरकिनार करके चले ये उचित नहीं लगता। यही भावना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की है, यही नेता प्रतिपक्ष की है, यही राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी की है, यही प्रभारी जी की है, यही प्रदेश अध्यक्ष जी की। लेकिन ये आरजेडी का मतलब पर ही तो अकेले भी जा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सवाल पूछते हैं तो सोचते हैं कि मैं 2 मिनट नूडल्स वाला जवाब। तमाम विकल्प खुले हैं, बस हम अपना डिस्प्लेजर जाहिर कर रहे हैं कि जब एक शहर के अंदर हम सब हैं तो गठबंधन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में संलग्नता सबकी आवश्यक है। हम बिहार में कैसे करते हैं, जिनको 2 सीट देते हैं उनको भी मीटिंग में बिठाते हैं, बात करते हैं और मुकम्मल अंजाम तक ले जाते हैं। थैंक यू। अपमान और सम्मान, आप लोगों का फैसला कब तक माना जाए सर? मैंने कहा ना, मौका दीजिए। इंडिया न्यूज़ वायरल बिहार झारखंड के लिए रांची से केडी राव की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।